हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त रोहित। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आज मैं आया हूँ नवरात्रि पूजन की सामग्री जो थी वो मैं ब्यास नदी में प्रवाहित करने के लिए आया हूँ। और ये है पूजन की सामग्री जो थी, तो प्लास्टिक तो मैं इसको वापस लेके जाऊँगा और वहाँ से भी जितने हो सके थे मैंने प्लास्टिक के पॉलिथीन वो खाली करके मैंने इसमें सारे पलट दिए थे। और यहाँ पर बिना पॉलोथीन के मैं सारा प्रवाह करूँगा इसको, क्योंकि तो पता क्या बात है, नदियाँ हमारी जितनी साफ रहेंगी उतनी अच्छी बात है। नदियों को फालतू में गंदा नहीं करना चाहिए। ये लो जी, सबसे पहले जाएगा हमारा कलश। ये लो जी, जय जय हो माता रानी, कृपा करना, जय माता दी। उसके बाद ये हमारा जो हमने ज्वार बीजे थे, जौ जिसको बोलते हैं, इसमें भी पन्नी लगी हुई है लेकिन ये निकालूंगा मैं, इसको निकाल दूंगा। ये देखो मैंने पॉलिथीन निकाल लिया। जय जय, मैंने निकाल लिया। अब ये है चुनिया, हमारा चुनिया है, आटे का दिया है। जय माता दी। बाकी इसमें कुछ भी पॉलिथीन का सामान नहीं है, ये नारियल है, नारियल को भी ऐसे डाल देते हैं। जय माता, हो गया सारा का सारा, इसमें पॉलिथीन कोई भी नहीं है तो इसलिए मैंने पलट दिया सारा। हे माता रानी, अगली बार फिर हमें इतने लायक करना कि आपकी नवरात्रि हर बार अच्छे से पूज पाए। इस बार हमको लोग कंजका नहीं कर पाए थे पैसे की कुछ कमी की वजह से, तो चलो कोई बात नहीं। जय माता दी। अभी ये पॉलिथीन जो मैं लाया था इसको मैं वापस लेके जाऊँगा। ओके गाइस, आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके जी, जय माता दी।